प्रणाम रवा सब के बहुत बहुत स्वागत बा ए अद्भुत शो में जेकर नाम बा प्रभु के द्वारे और हम बानी हर्षिता। आज हम रवा सभी के दर्शन कराए एगो ऐसन पवित्र स्थान के जे संसार में सबसे पुण्य स्थान में से एक बा। जी हाँ, हम रोज रवा सबके स्थान विशेष पर स्थित मंदिर के दर्शन करावे ने। बाकी आज हम जौन पवित्र स्थान के रवा सभी के दर्शन करा रहल बानी ओ स्थान के बारे में कहल जाला कि सब तीर्थ बार बार बाकी ई तीर्थ एक बार। बिल्कुल सही समझनी। हमनी के आज दर्शन कर जाई गंगा सागर यानी जहाँ गंगा और सागर के संगम होला। माँ गंगा गौमुख से निकल के सागर में विलीन हो जाले और जहाँ माँ गंगा और सागर के ये दिव्य मिलन होला वो जगह के सबसे पवित्र स्थान मानल गइल बा। यही से यहाँ के दर्शन के सबसे अधिक महत्व दिहल गइल बा और ये मानल जाला कि जितना पुण्य हर तीर्थ स्थल के दर्शन से मिलेला उसे कहीं अधिक पुण्य सिर्फ गंगा सागर के दर्शन से श्रद्धालु लोग के प्राप्त होला। गंगा सागर के पवित्र जल में डुबकी लगावे से हर भक्त के हर जन्म के पाप से मुक्ति मिल जाला, जन्म जन्मांतर के चक्र से भी छुटकारा मिल जाला। ऐसन मानल जाला कि यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन पूजन से भक्तगण के मोक्ष के प्राप्ति होला, पुण्य के प्राप्ति होला। तो चली गंगा सागर के दर्शन कइल जा। ओम नमः शिवाय नारायण्य दशहराय गंगाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय नारायण्य दशहराय गंगायै स्वाहा। ओम नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। ऐसन कहल जाला कि माँ गंगा यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित भइल रहनी। यही से यहाँ मकर संक्रांति के दिन बहुत ही विशाल मेला के आयोजन होला, जेके देखे खातिर और गंगा सागर में डुबकी लगावे खातिर दुनिया भर से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आवेले। विदेशी लोग भी आस्था के इस संगम के देखे खातिर बहुत बड़ संख्या में यहाँ के आकर्षण में खींचल चलल आवेले। वैसे जौन दिव्य रूप में माँ गंगा अभी यहाँ पर नजर आ रहल बाड़ी वो रूप लावे के श्रेय जाला राजा भागीरथी के। बाकी एकरा बारे में विस्तार से बताए कि मधुर गीत के सुनला के बाद। ममता की तेरी कभी कम न हो, दूर से तेरे कभी हम न हो, खुशियाँ यूं ही तो हम पे लुटाए सदा, खुशियाँ यूं ही तो हम पे लुटाए सदा, क्योंकि माँ है तुम्हार सब की माँ। खुशियाँ यूं ही तो हम
की माँ गंगा सुंदर मधुर गीत के बाद हम रुका तनी एगो छोटा सा अल्प विराम खातिर। विराम के बाद विस्तार पूर्वक बताएं माँ गंगा के अवतरित होके के कहानी। रवा कहीं मत जाएं और देखत रहीं प्रभु के द्वारे। अल्प विराम के बाद आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा हमनी के एक खास कार्यक्रम प्रभु के द्वारे में। और आज हमनी के दर्शन कर रहल बानी गंगा सागर के। संसार के माँ गंगा के आशीर्वाद मिल रहल बा वैसे आज से हजारन लाखन वर्ष पहले ना रहे। गंगा जी स्वर्ग में रहनी, देवलोक के शोभा रहनी। बाकी इस संसार ये धरती माँ गंगा के ममता से वंचित रहल। बाकी आज संसार के माँ गंगा के आशीर्वाद मिल रहल बा। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हो रहल बा। वैसे रउआ सभे इहे सोचत होके कि माँ गंगा के ए धरती पर लावे के श्रेय तो भागीरथ के जाला, फिर देवराज इंद्र के भी काहे शुक्रगुजार होके के चाही। बाकी देवराज इंद्र के भी माँ गंगा के धरती पर लावे के श्रेय दिहल जाला। ऐसन हम काहे कहतनी एकरा बारे में हम आपके बतावतनी। दरअसल आज माँ गंगा के वजह से जौन क्षेत्र जिंदगी से भरपूर नजर आ रहल बा वहाँ कबहू इंसान आवे के ना सोचत रहले। काहे से कि न तो ही कोनो तीर्थ स्थान रहे और न उतना ए स्थान के कोनो महात्मा रहे। और होके भी काहे काहे कि माँ गंगा तो यहाँ पर ना रहनी। माँ गंगा सिर्फ यहीं पर ना, ए धरती पर भी ना रहनी। हाँ, यहाँ पर कपिल मुनि जरूर रहत रहले। और यहाँ पर
कठोर तपस्या में लीन रहले और ये गंगा सागर में उनका एगो मंदिर भी बा। जे भी भक्त गंगा सागर के दर्शन करे खातिर आवेला वो कपिल मुनि के भी दर्शन जरूर करेला। ये मंदिर में स्थापित कपिल मुनि के सिंदूरी रंग के प्रतिमा के तह दर्शन करके हर केहू के दिव्य आनंद के अनुभूति होला। तरवा सभे भी दर्शन करी कपिल मुनि के और ये दिव्य आनंद के महसूस करे। कपिल मुनि के मंदिर मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत ही विधिवत तरीका से सजावल जाला, जेकर रौनक यहाँ आवे वाला हर श्रद्धालु के मन मोह लेवेला। मकर संक्रांति के अवसर पर कपिल मुनि के ए मंदिर के सजावल जाला और यहाँ पर विशाल मेला के भी आयोजन कईल जाला। ए विशाल मेला में श्रद्धालु लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवेले। तरवा सभी भी आई और दर्शन करी गंगा सागर के और देखी यहाँ के विशाल मेला के रौनक के। साथे आई अब सुन लिहल जाओ इस सुंदर मधुर गीत। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, ओ निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना। बंसी बजावत गावत कान्हो, हो गावत कान्हो, बंसी बजावत गावत कान्हो, संग लिया बलबीर, चलो मन संग लिया बलबीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन ग
गंगा जमुना तीर। पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल झलकत हीर चलो मन कुंडल झलकत हीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर। चरण कवल पर शीस चलो मन चरण कवल पर शीस चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना
तनी एगो छोटा सा अल्प विराम खातिर बाकी रउआ सभी कहीं मत जाई और देखत रही प्रभु के द्वारे। विराम के बाद आप सब के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते नी हमने के अद्भुत कार्यक्रम जेकर नाम बा प्रभु के द्वारे। और आज हमने के दर्शन कर रहल बानी गंगा सागर के। ऐसा कहल जाला कि गंगा सागर में जब कपिल मुनि आपन तपस्या में लीन रहले ओ दौरान राजा सागर के शासन रहे। राजा सागर बहुत ही प्रतापी राजा रहले। उनकर पराक्रम के आगे हर केहू नतमस्तक रहे। राजा सागर इहे देखे खातिर कि ये संसार में का केहू उनकरा से ज्यादा पराक्रमी बा, राजा सागर अश्वमेध यज्ञ के आयोजन कैले। दरअसल प्राचीन काल में जे भी राजा के ई लागत रहे कि वो सर्वशक्तिमान बा, वो अश्वमेध यज्ञ के आयोजन करत रहे और एगो घोड़ा के विचरे खातिर छोड़ देत रहे। वो घोड़ा जौन जौन राज्य में गुजरत रहे वहाँ के राजा अगर वो घोड़ा के रोके के प्रयास ना करत रहे तो ये मान लिहल जात रहे कि वो राजा वो दोसर राजा के अधीनता के स्वीकार कर लेले बाड़े। यही प्रकार से राजा सागर के भी घोड़ा एक राज्य से दूसर राज्य के सीमा में प्रवेश करत रहे और दूसर राज्य के राजा लोग राजा सागर के अधीनता के स्वीकार कर लेत रहले। वैसे भी राजा सागर और उनकर 60,000 पुत्र के सामना करे के हिम्मत केहू में ना रहे। राजा सागर के वर्चस्व के दारा के बढ़त देख के देवलोक में भी खलबली मच गई। इंद्र सोच में पड़ गई ले और ओकरे बाद वो जौन कैले उसे तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हो गए। बाकी सागर के 60,000 पुत्र के अपना जान से हाथ धोवे के पड़ल। अब ये कथा में आगे का भय एकरा बारे में हम आपके बताए, लेकिन आई ओकरा से पहले सुन लिहल जाओ इस सुंदर मधुर गीत। मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तुम्हें ताप
कल कल बहे रे गंगा देखो रे देखो रे ओ चलो 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 मुक्ति पालो हर हर बोलो डुबकी लगा लो आलो रे पालो खुशहाली हो आई गंगा मां भर देने वाली हो आई गंगा मां भर देने वाली हो आई गंगा मां भर देने वाली हे कल 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 बहे रे गंगा देखो रे शीश खेली गंगा अलबेली देखो चली है मैया सबको ये पावन करती सबको चली है पावन करती अरे गंगा धाम आओ जरा शीश को झुकाओ जरा गंगा मैया को आज सबकी ये झोली भरती गंगा मैया झोली भरती हे पतित पावनी गंगा माँ से वर पालो रे वर पालो रे हे मुक्ति पालो रोग शोक से गंगा मैया के द्वार से आओ सौगात ये निराली हो छाई छाई है आज खुशहाली हो आई गंगा माँ भर देने वाली हो आई गंगा माँ भर देने वाली कि देवराज इंद्र राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा के पाताल में ले जाकर छुपा देले। अब घोड़ा गायब हो गए और जैसे ही इस सूचना राजा सगर के 60,000 पुत्र के मिलल तो सब तरफ हाहाकार मच गई। राजा सगर के पुत्र धरती आकाश एक कर देले, बाकी घोड़ा के कहीं पता ना लागल। और पता भी कैसे चले, काहे से कि वो घोड़ा के तर देवराज इंद्र पाताल में छुपा देले रहले। बाकी सगर के पुत्र लोग घोड़ा के तलाश जारी रखले और अचानक एक दिन सगर के 60,000 पुत्रन के वो घोड़ा नजर आए। वो अजय घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधल रहल। दरअसल देवराज इंद्र चालाकी से पहले तो वो घोड़ा के पाताल में छुपा देले और फिर मौका देख के ओके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देले। जब 60,000 सगर पुत्र ये दिखले तो उनका के लागल कि कपिल मुनि उनका की चुनौती देवे खातिर ये घोड़ा के ये आश्रम में रुकले बाड़न। अब उनका के का मालूम रहे कि कुल देवराज इंद्र के कैल धैल बा। बस फिर का रहे, सगर पुत्र के क्रोध के कोनो सीमा ना रहल। वो कुल लगले आश्रम के तहस नहस करे। वो वक्त जब सगर पुत्र आतंक मचावत रहले, कपिल मुनि अपना साधना में लीन रहले। ये देख के कि ऋषि साधना में लीन बाड़े, सगर पुत्र मुनि के साधना छोड़ के युद्ध करे के चुनौती देले।
बाकी कपिल मुनि के तरफ से कोनो प्रतिक्रिया ना देखकर उ कुल और आग बबूला हो गईले। एकरे बाद का भइल ये हम आपके बताएं, लेकिन अभी रुकत नहीं एगो छोटा सा अंतराल खातिर, तो वह कहीं मत जाए और देखत रही प्रभु के द्वारे। अंतराल के बाद आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा हमने के अद्भुत कार्यक्रम जेकर नाम बा प्रभु के द्वारे। और आज हमने के दर्शन कर रहल बानी गंगा सागर के, और आपके बता रहल बानी ओसे जुड़ल कुछ रोचक कहानी। हाँ, तो जब सगर पुत्र आग बबूला भइले तो कपिल मुनि के भी क्रोध के कोनो सीमा ना रहे। वो अचानक से समाधि से जाग गईले और उनकर दृष्टि पड़ते ही 60,000 पुत्र राख में बदल गईले। और फिर इहे अपन पूर्वज के मुक्ति दिलावे खातिर राजा भगीरथ ए धरती पर माँ गंगा के ले आईले। और ऐसन कहल जाला कि माँ गंगा मकर संक्रांति के दिन ही ए धरती के उद्धार करे खातिर प्रकट भइनी। और उनकर स्पर्श पाकर सगर के 60,000 पुत्र के भी मुक्ति प्राप्त भइल। और यही से मकर संक्रांति गंगा सागर में स्नान करे के विशेष महत्व बा। तो रउआ सभे भी आई गंगा सागर और दर्शन करी सागर से माँ गंगा के मिलन के अद्भुत दृश्य के। वैसे पहले गंगा सागर तक के यात्रा कइल बहुत कठिन रहे, बहुत कम श्रद्धालु लोग माँ गंगा के दर्शन कर पावत रहले। बाकी अब ऐसा ना बा, अब हर श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन करे खातिर यहाँ सुविधा पूर्वक आ सकेले। तो आई रवा सभे और दर्शन करी ए दिव्य गंगा सागर के। तो आई यही बात पर अब सुन लिहल जाओ इस सुंदर गीत। पतित पावनी गंगा, पापनाशिनी गंगा, पापनाशिनी गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जहाँ मिली सागर से गंगा कर सौ रस्ते पार, तीर्थों में सर्वोत्तम किसका माने ये संसार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। Bye.
दे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार पतित पावनी गंगा गिलबा आप सब से विदा लेवे के आप सब भी मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर आएं गंगा सागर और दर्शन करें माँ गंगा और सागर के ये दिव्य मिलन के। तब तक खातिर हम ले तनी विदा और कह तनी जय गंगे मैया।